हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का सिलेबस बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर थर्ड। तो आपका जो पहला बुक है एलजेब्रा, उसमें टोटल यूनिट फोर है, वन से लेकर के फोर तक। और आपका जो पार्ट बी बुक है मैथमेटिकल मेथड, उसमें भी आपके यूनिट वन से लेकर के यूनिट फोर तक है, अर्थात टोटल आपको 8 यूनिट का अध्ययन करना है। तो आइए देखते हैं आपका जो बुक एलजेब्रा फर्स्ट बुक है, उसमें जो आपका यूनिट वन है, उसमें सबसे पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड पार्टीशंस। फिर आपको ग्रुप्स पढ़ना है, सब ग्रुप्स पढ़ना है, फिर आपको परम्यूटेशन ग्रुप्स पढ़ना है आपके यूनिट टू में, और अल्टरनेटिव ग्रुप पढ़ना है। उसी प्रकार आपको यहाँ पे चैप्टर फाइव दिया है। फिर आपका यूनिट थर्ड पे आते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप और कोशेंट ग्रुप आपको पढ़ना है, होमोमॉर्फिस पढ़ना है, आइसोमॉर्फिस आप ग्रुप पढ़ना है। फिर हम बात करें यूनिट फोर की, तो यूनिट फोर में आपको रिंग और इसमें आपको डोमेन फील्ड वगैरह सब पढ़ना है। तो ये था आपका जो फर्स्ट बुक है एलजेब्रा, टोटल यूनिट वन से लेकर के यूनिट फोर तक के चैप्टर के सभी नाम हैं। अब इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है उसको भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपके इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं। फिर आपका जो सेकेंड बुक है वह है मैथमेटिकल मेथड्स, जिसमें आपको यूनिट फाइव से लेकर के यूनिट यहाँ पर आपको एट तक दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको लिमिट्स, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स पढ़ना है, डिफरेंसिबिलिटी एंड टेलर्स थ्योरम पढ़ना है, मैक्सिमा मिनिमा आपको टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल दोनों पढ़ना है। फिर आपका इसी में है जैकोबियन, जो कि यहाँ पे हिंट नहीं लिखा गया है, आपको जैकोबियन भी पढ़ना है। फिर हम बात करें यूनिट सिक्स की, तो इसमें आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना है और इसके अप्लीकेशन। फिर हम बात करें यूनिट नंबर सेवन की, तो इसमें आपको फोरियर सीरीज पढ़ना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ना है। और लास्ट में बात करें हम यूनिट एट की, तो आपको पढ़ना है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। अब आइए देखते हैं कि इन सभी चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लिया आपका जो पार्ट ए बुक है एलजेब्रा, बात करें आपका यूनिट वन, तो यूनिट वन के अंतर्गत आपको इतने हेडिंग्स पढ़ने हैं, जैसे कि इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड पार्टीशंस पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन पढ़ना है, इसका डेफिनेशन पढ़ना है ऑफ ए ग्रुप का विथ एग्जांपल के साथ। तो ये भी छोटे छोटे आपके यहाँ पे दिए गए हैं, इसको आप सभी को अच्छे से कंप्लीट करना है। फिर हम बात करें यूनिट टू की, जो कि है परम्यूटेशन ग्रुप्स, इसके अंदर आपको इवन एंड ऑड परम्यूटेशन पढ़ना है, अल्टरनेटिव ग्रुप पढ़ना है, केलीज थ्योरम पढ़ना है, तो ये सभी आपको पढ़ना है। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लैग्रांजेस थ्योरम आपको पढ़ना है, फर्मेट और आयलर थ्योरम आपका भी है। तो ये है आपका यूनिट टू। फिर देखिए नीचे आपको यूनिट थर्ड दिया गया है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, नॉर्मल सबग्रुप्स पढ़ना है, कोशेंट ग्रुप्स पढ़ना है, होमोमॉर्फिज्म पढ़ना है और आइसोमॉर्फिज्म पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़ना है और आपको थ्योरम्स पढ़ना है ऑन आइसोमॉर्फिज्म पर भी। अब बात करें हम यूनिट नंबर फोर की, तो यूनिट नंबर फोर आपका जो रिंग चैप्टर है, उसमें आपको रिंग पढ़ना है, उसका डेफिनेशन वगैरह क्या होता है। फिर आपका सब रिंग्स है, इंटीग्रल डोमेन्स एंड फील्ड है। इसी प्रकार आपके टोटल वन से लेकर के फोर यूनिट कंप्लीट होते हैं आपका जो फर्स्ट बुक है एलजेब्रा। अब बात करें हम मैथमेटिकल मेथड्स, आपका जो सेकेंड बुक है, उसमें आपको जो पहला लिमिट्स, कंटिन्यूटी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स थे और उसी पर बेस्ड आपके ये यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें देख लीजिए लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, डिफरेंस, तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। फिर यहाँ पे आपको शॉर्ट्स थ्योरम दिया है, यंग्स थ्योरम दिया है, टेलर्स थ्योरम दिया गया है, ये सभी आपको टू वेरिएबल्स में आपको पढ़ना है। फिर आपको यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम टू वेरिएबल्स और थ्री वेरिएबल दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पे आपको हिंट किया गया है जैकोबियंस, तो आपको एक चैप्टर जैकोबियंस है उसको भी आपको कंप्लीट करना है। फिर बात करें हम यूनिट नंबर सिक्स की, तो यूनिट नंबर सिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे देख लीजिए, एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लीनियरिटी प्रॉपर्टी आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ना है। फिर यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव्स भी आपको पढ़ना है, कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ना है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना है और उसका आपको डिफरेंशियल फॉर्म भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सभी टॉपिक हैं यूनिट नंबर सिक्स में। फिर बात करें हम यूनिट नंबर सेवन में, तो यूनिट नंबर सेवन देखिए यहाँ पे स्टार्ट है, जो कि आपका था फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म।
तो आपको यहाँ पे फोरियर सीरीज पढ़ना है, फोरियर एक्सपेंशन ऑफ, फिर यहाँ पे आपको हाफ रेंज सीरीज भी पढ़ना पड़ेगा। फोरियर ट्रांसफार्म में आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट दो आपको पढ़ना है। फिर बात करें हम यूनिट नंबर 8 में, जो कि आपका है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जिसमें आपको आयलर्स इक्वेशन वगैरह सभी टॉपिक मिलेंगे। तो ये था आपका यूनिट नंबर 8। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं पार्टी बुक एलजेब्रा और पार्ट बी बुक आपका जो मैथमेटिकल मेथड से। टोटल आपको 8 यूनिट कंप्लीट करने हैं, 4 यूनिट आपके पार्ट ए बुक एलजेब्रा में है और बचे हुए 4 यूनिट आपके पार्ट बी बुक मैथमेटिकल मेथड्स में है। तो यहाँ भी आपका सिलेबस एंड होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।